ये देखिए दोस्तों, ये सब्जी बननी तैयार हो गई है। सब्जी बनना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मसाला तैयार हो रहा है। ये गोभी और मटर जो है काट के रखा हुआ है। इसमें जो है हरी मिर्च जो है और हरा धनिया है। ये पनीर का पैकेट भी जो है, पारस ये भी जो है तैयार है। इसको भी अभी करते हैं। इधर हरी मिर्च कटी हुई है, अभी मसाला तैयार हो रहा है। ये लगभग जो है खाना जो है तैयारी की ओर है। और इसमें जो है अभी बनता है, एक पनीर है, एक पनीर में है काट के रख दिया गया है। ये सब्जी है, तो ये पनीर ज़्यादा भी जो है ठीक नहीं है उम्र के लिहाज से। उम्र के लिहाज से पनीर जो है कम ही खाना चाहिए शाम को, और वैसे भी सुबह हो तो भी कम ही खाना चाहिए। और हरी मिर्च का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, लाल मिर्च का प्रयोग कम से कम करें। सब्जी को जो है ये गर्म पानी में खूब जो है करके थोड़ी देर तक जो है, इसमें मटर है और इसमें गोभी भी है और ये मसाला जो है तैयार किया जा रहा है। ये मसाला जो है तैयार होने वाला है। ये सब्जी जो है इसमें डाल दी गई है, तो इसको जो है मिलाएंगे और जो है थोड़ी देर तक इसको हल्की आंच में बनाएंगे। ये सब्जी जो है तैयार हो रही है और इधर जो है ये सामान रखा हुआ है। ये खाना खाने के बाद जो है गुड़ का डिब्बा है रखा हुआ। खाना खाने के बाद गुड़ और मूंगफली जो है बहुत जरूरी है, तो देखते रहिए। और सब्जी का आनंद अभी लेने में समय लगेगा। इसके साथ चार पतले पतले फुलके बनाए जाएंगे, चपाती बनाई जाएगी, रोटी बनाई जाएगी। ये देखिए, ये सब्जी जो है तैयार हो गई है। इसमें ये जो है हरा धनिया जो है पड़ गया है। अब इसमें जो है चार चपाती बनने वाली है। ये जो है फुलके जो है बनने प्रारंभ हो गए हैं। और अभी देखते हैं कि ये रोटी जो है ये जल भी गई है थोड़ा, लेकिन थोड़ा जरा सावधानी की जरूरत है। और जैसे ये रोटी जो है बनती है, तो फिर ये जो है, ये सामने ये घी का डिब्बा भी रखा हुआ। ये घी का जो है 2 चम्मच घी भी पड़ेगा इस सब्जी में, और तब जा करके जो है ये रोटी का जो है आनंद लिया जाएगा।